हेलो एंड वेलकम दोस्तों, और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक नए एपिसोड में फ्रॉम द साइड स्टैंड। एंड हम आज का एपिसोड करेंगे हिंदी वॉइस ओवर में, और देखते हैं कि इस वॉइस ओवर पे हमें आउटकम कैसा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच मोटरसाइकिल्स जो कि स्पोर्ट्स सेगमेंट की हैं और 3 लाख के अंदर हैं, और इंडिया में उन्हें कितना पसंद किया जाता है। ये टॉप 5 मोटरसाइकिल्स हैं 3 लाख के अंदर स्पोर्ट्स सेगमेंट में। और अगर आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी चाहिए इन पे, आप जानना चाहते हैं कितने की है, कैसी है, क्या है और इंडिया को कैसी लगती है ये, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो पांचवी नंबर की मोटरसाइकिल है, जो इंडिया में कम बिकी है पर फिर भी काफी पसंद की जाती है, ये है KTM RC390। KTM RC390 में और Duke 390 में बिल्कुल सेम इंजन लगा है, तो हम आपको इसके जो सेल्स फिगर बताएंगे वो दोनों के कंबाइंड होंगे। KTM RC390 प्लस Duke 390 इंडिया में टोटल बिकी है 682 यूनिट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। और एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल जो कि 2.5 लाख तक के करीब आती है, उसके लिए ये सेल्स फिगर काफ़ी अच्छा है। 3 लाख के अंदर ये मोटरसाइकिल आती है, फुल्ली फेयर्ड वर्जन में भी है, उसके अलावा नेकेड वर्जन में भी है, और दोनों ही कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, हार्डली 1-2 हज़ार रुपये का अंतर है। इनफैक्ट KTM की Duke 390 RC390 से हल्की महंगी ही आपको मिलेगी, क्योंकि उसमें TFT डिस्प्ले होता है बजाय एक नॉर्मल LED डिस्प्ले के। KTM RC390 एक बहुत ही स्पोर्टी मोटरसाइकिल है, जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है और आपको सिटी में चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके राइडिंग फिगर्स बहुत अच्छे हैं, उसके अलावा इसका परफॉर्मेंस अलग ही लेवल पर है। KTM RC390 की ऑन रोड कॉस्ट दिल्ली में 3,02,000 रुपये की है, उसके अलावा एक्स शोरूम कॉस्ट इसकी 2,44,000 की है। ये बाइक अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा डिस्प्लेसमेंट बनाती है, और इसके स्पेक्स भी बहुत बढ़िया हैं। इस बाइक का इंजन डिस्प्लेसमेंट है 373 सीसी का, और ये BS6 कॉम्प्लाइंट आती है। अब सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ इसका मैक्सिमम पावर है 42.3 BHP, उसके अलावा टॉर्क है 35 न्यूटन मीटर्स। बाइक में डुअल चैनल कॉर्नरिंग ABS आता है जो स्विचेबल है, सुपर मोटो मोड भी मिल जाता है आपको। उसके अलावा फ्यूल गेज इंडिकेटर वगैरह वगैरह जो आपको चाहिए वो सब आपको इसमें मिल जाता है। फ्यूल इकोनॉमी बाइक की ठीक ठाक है अपने सेगमेंट के हिसाब से। इसकी 9.5 लीटर के फ्यूल टैंक में आपको 26 KMPL की फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है इसके सेगमेंट में। और ये बाइक आ रही है 5th नंबर पे, KTM RC390। अगली बाइक हम आते हैं अपने सेगमेंट पे, ये बाइक आती है सुजुकी की फ्लीट से, जिसका नाम है सुजुकी जिक्सर SF250। फिर से सुजुकी में SF250 जो बाइक आती है वो फुल्ली फेयर्ड है, सुपर फेयर्ड भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक और सिबलिंग है जो कि है जिक्सर 250, और वो है नेकेड वर्जन। तो सुजुकी जिक्सर 250 में जो दोनों बाइक्स आती हैं उनके कंबाइंड सेल्स फिगर्स हैं 717 यूनिट सोल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020, जो कि एक फिर से अच्छा फिगर है 250 सीसी मोटरसाइकिल के लिए। पर इसी की जगह अगर आप KTM Duke 250 देखेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस इस बाइक से ज़्यादा अच्छी है। 249 सीसी का BS6 कॉम्प्लाइंट इंजन आपको मिल जाता है, जो कि सिंगल पिस्टन में है। उसके अलावा इस बाइक का मैक्सिमम पावर है 26.1 BHP 9000 RPM पे, और टॉर्क है 22.6 न्यूटन मीटर 7,500 RPM पे। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा इंजन है, और ये आता भी सुजुकी की स्पेशल ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ है, तो इंजन आपको कभी भी हीटिंग के मामले में धोखा नहीं देता है। 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ फ्यूल इंजेक्शन में आता है ये मोटरसाइकिल, तो इसमें भी आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा स्टार्टअप देने में बाइक को। और ब्रेक्स में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है इसमें, और फ्यूल एफिशिएंसी बाइक की ठीक ठाक है, 12 लीटर और 36 KMPL की। ARAI ने जो हमें एफिशिएंसी दी थी वो थी 38.5 KMPL की, बट जो हम एक्चुअली ऑन रोड देते हैं वो 36 KMPL ही आती है। किसी बाइक में आप देखेंगे तो ARAI से कम ही मिलेगा। 12 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ ये एफिशिएंसी आती है, तो हाईवे के लिए एक आइडियलिस्टिक मोटरसाइकिल है ये, और डुअल चैनल ABS आपको ज़्यादा सिक्योरिटी देता है। तो 4th नंबर पे हम लोगों ने देखी थी सुजुकी जिक्सर SF250। अब आते हैं 3rd नंबर पे, जो मोटरसाइकिल इंडिया में बिकती है सबसे ज़्यादा, वो है KTM की Duke 125। Duke 125 और RC125 के कंबाइंड सेल्स फिगर हैं इस साल जनवरी के 2176 यूनिट, दैट इज 2176 यूनिट सोल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020।
125 ड्यू की आरसी 125 अपने आप में एक बहुत ही शानदार मोटरसाइकिल है। एक छोटा इंजन आपको फुल्ली फेयर डिजाइन में मिल जाता है और सिंगल चैनल एबीएस के साथ अल्ट्रा सेफ है। उसके अलावा ये बाइक R15 के करीब करीब परफॉर्मेंस देती है, जो कि इंडिया की सबसे लव मोटरसाइकिल है। KTM RC 125 का इंजन डिस्प्लेसमेंट है 124.71 cc और ये BS6 कॉम्प्लाइंट आती है। उसके अलावा इसका मैक्सिमम पावर है 14.5 bhp और मैक्सिमम टॉर्क है 12 Nm। सिंगल सिलेंडर इंजन फ्यूल इंजेक्शन के साथ, जो कि आता है 6-speed गियरबॉक्स के साथ, एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर लो एंड राइडर्स जिनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है पर फिर भी उनको एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल चाहिए जो कि तेज़ चलती हो और बढ़िया लुक्स हो। इसके बाइक्स 80-90 किलोमीटर पर आर आराम से क्लॉक कर लेती है। उसके अलावा 100 तक ले जाने में आपको ज़रूर थोड़े से वाइब्रेशन फील होंगे पर फिर भी मोटरसाइकिल अपना काम बहुत अच्छे से करती है। सिंगल चैनल ABS आपको मिल जाता है इसमें, कॉर्नरिंग ABS आपको नहीं मिलता है। उसके अलावा बाइक की फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी है इन पावर फिगर्स के बावजूद, जो कि है 40 किलोमीटर पर लीटर और 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। मतलब आप अराउंड इसको 350-400 किलोमीटर आराम से चला पाएंगे एक सिंगल फिलिंग में। तो थर्ड नंबर पे थी हमारे पास KTM RC 125, जो कि इंडिया में काफ़ी हिट मोटरसाइकिल है। अब आते हैं नंबर सेकंड मोटरसाइकिल, जो कि एक सेमी फेयर्ड मोटरसाइकिल है, जो कि आती है बजाज की फ्लीट से। ये है बजाज पल्सर 220F। बजाज पल्सर 220F काफ़ी समय से इंडियन मार्केट में है और इसने इंडियन मार्केट में सेमी फेयर्ड नेकेड मोटरसाइकिल्स का ट्रेंड शुरू कर दिया था। सही मायने में अगर हम इंडिया में नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल का ट्रेंड सेटर किसी को कह सकते हैं तो उसे कहेंगे हम बजाज पल्सर 220F। 220F दिल्ली में आपको ऑन रोड मिल जाती है 1,35,473 रुपये की और एक्स शोरूम आपको ये बाइक मिल जाती है 1,16,838 रुपये की। बाइक में आपको 220 cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि BS6 कॉम्प्लाइंट है और इसकी मैक्सिमम पर आपको मिल जाती है 21 bhp 8,500 rpm पे और 19 Nm का टॉर्क 7,000 rpm पर। 5-speed गियरबॉक्स के साथ आती है। बजाज इस प्राइस पॉइंट पे हमें ज़रूर एक 6-speed गियरबॉक्स दे सकता था पर इस बाइक में फ्यूल इंजेक्शन भी आता है अब कार्बोरेटर के बजाय, क्योंकि अब BS6 हो गई है मोटरसाइकिल। तो हाँ, ये बाइक अपने आप में एक ट्रेंड सेटर है और अब और बेटर होती जा रही है। वैसे भी हमें बहुत समय से बजाज में कोई बहुत बड़े अपडेट देखने को नहीं मिले हैं पल्सर 220F में, सिवाय स्टिकर्स के या पेंट जॉब के, वरना इस बाइक में कुछ टेक्निकल चेंजेस करे जाते तो हाँ, तो ये बाइक अपने आप में ही एक अलग स्टैंडर्ड क्रिएट करती है, एक अलग एरा क्रिएट करती है जिसमें शायद काफ़ी लोग पल्सर 220F की तरफ मूव करते। इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। यहाँ पर फिर से आपको एक डुअल चैनल ABS दे सकता था पर क्योंकि बाइक का टॉर्क फिगर उतना ज़्यादा नहीं है और ना ही उतना ज़्यादा पार है तो सिंगल चैनल ABS भी काफ़ी अच्छा है। टूरिंग के लिए बाइक काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि बाइक का फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छा है। 220 cc होने के बावजूद ये आपको 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे देता है और 15 लीटर का फ्यूल टैंक, तो आप 400-450 या हो सकता है 475 किलोमीटर तक आराम से क्लॉक कर ले मोटरसाइकिल पे। रिजर्व कैपेसिटी भी 3.2 लीटर्स का है तो आपको फ्यूल स्टेशन ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्राइस पॉइंट पे, जो कि 1,35,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली पे, बजाज पल्सर 220F हमारी बाइक थी सेकंड नंबर पे। अब बात करते हैं इस काउंटडाउन पे जो बाइक सबसे ज़्यादा बिकती है, वो है यामाहा R15 वर्जन 3। यामाहा R15 वर्जन 3 इंडिया में सबसे लव्ड स्पोर्ट्स बाइक है, जो कि फुल्ली फेयर डिज़ाइन में आती है 150 cc के इंजन के साथ और इसके सेल्स फिगर जनवरी 2020 के लिए 6,719 यूनिट है। 6,719 यूनिट अभी तक इस रेंज में सबसे ज़्यादा हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको पल्सर के यूनिट्स इससे ज़्यादा भी मिल जाएंगे पर उसमें दिक्कत ये है कि वो जो सेल्स फिगर्स हैं वो पल्सर 180, पल्सर 200NS और पल्सर 200RS के मिलाकर दिए गए हैं। तो तीन बाइक के सेल्स फिगर अगर आप एक बाइक से कंपेयर करोगे तो वो आपको कहीं भी आसपास नहीं मिलेगा। R15 वर्जन 3 155 cc इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है और अब ये BS6 कॉम्प्लाइंट है। इसका मैक्सिमम पावर आपको मिल जाता है 18.3 bhp 10,000 rpm पे और मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है 14.1 Nm 8,500 rpm पे। 6-speed गियरबॉक्स के साथ आती है और इसका जो पावर फिगर आपने देखा भी 18.3 bhp, ये आपको 200 cc के मोटरसाइकिल्स में या 250 cc के मोटरसाइकिल्स में कभी कभी देखने को मिल जाता है। ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आती है तो फिर से बाइक को स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और स्लिपर क्लच भी अब कंपनी आपको यहाँ देती है इस प्राइस पॉइंट में। ऑन रोड R15 आपको मिल जाएगी 1,68,000 रुपये में। ऑन रोड न्यू दिल्ली आपको यामाहा R15 वर्जन 3 मिल जाएगी 1,68,000 रुपये में, जो कि एक काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है इस तरह की बाइक के लिए, एक फुल्ली फेयर्ड बाइक के लिए। और आपको यहाँ पे कंपनी डुअल चैनल ABS देती है। उसके अलावा फ्यूल इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी है मोटरसाइकिल की, 40 km/l की फ्यूल इकोनॉमी और 11 लीटर का इंजन है, तो काफ़ी हद तक आप इसको टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बाइक में आपको रिजर्व नहीं मिलता है।
तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक और 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक माइलेज इंडिकेटर और डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर भी मिलता है। तो ये बाइक काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी हाईवे टूरिंग पर्पज़ के लिए भी और सिटी पर्पज़ के लिए भी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखी टॉप 5 मोटरसाइकिल्स जो इंडिया को काफ़ी पसंद है अंडर द प्राइस टैग ऑफ ₹3 लाख। ये सारी बाइक्स 3 लाख से सस्ती थी ऑन रोड, सिर्फ एक बाइक को छोड़ के जो कि थी RC390, वो भी ₹2000 ऊपर थी हमारी रेंज के। तो अगर आप इस सीरीज़ को पूरी देखेंगे तो यामाहा R15 आपको यहाँ पे बेस्ट बाइक मिली। पर अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे अगर आपका बजट है 3 लाख तक तो आपको ज़रूर एक बार जिक्सर 250 या फिर RC200 को भी ऑप्शन देना चाहिए। RC200 मैंने इस काउंटडाउन में नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी KTM की 2 बाइक्स काउंटडाउन में थी। उसके अलावा RC200 और RC390 फिगर्स में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। तो अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस लें तो आप RC200 या R15 में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं जो कि प्राइस फ्रेंडली भी है और अच्छा परफॉर्मेंस भी देती है। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप नए हैं चैनल के लिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ही शानदार कंटेंट आगे से हिंदी में आएगा इस चैनल पे, तो आप लोगों को मेरे इंडियन भाई बहनों को काफ़ी अच्छा लगेगा ये। और अगर बाहर से भी लोग आते हैं एंड इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड आई अर्ज यू टू प्लीज़ टेल मी इफ़ यू वॉन्ट कैप्शंस, आई विल मेक कस्टम कैप्शंस फॉर द सेम वीडियो इन इंग्लिश। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज। दिस वॉज योर होस्ट वत्सलायन भटनागर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।